निजीकरण एवं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रस्तावित संशोधन के विरोध में बिजली कर्मी सोमवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने काटोल रोड स्थित विद्युत भवन में द्वार सभा का प्रदर्शन किया। मैस्मा लागू होने के बाद भी बिजली कर्मी कार्यालय नहीं पहुंचे। विदर्भ की बात करें तो सबसे अधिक असर महावितरण के अनुसार अकोला परिमंडल में सर्वाधिक 54.10% कर्मी हड़ताल में शामिल हुए। नागपुर में सबसे कम 30.73% कर्मी इसका हिस्सा बने। इसी प्रकार अमरावती परिमंडल में 51.35%, चंद्रपुर में 42.57%, गोंदिया में 49.48% कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। कोराड़ी, खापरखेड़ा एवं चंद्रपुर बिजली केंद्रों में भी 30% से अधिक श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए। शहर के काटोल रोड स्थित विद्युत भवन में हुई द्वार सभा में श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने 16 शहरों की वितरण प्रणाली एवं जल विद्युत परियोजनाएं निजी हाथों में नहीं सौंपने की मांग की। मोहन शर्मा, अविनाश लोखंडे, मौर्या बाटकर, नायडू आदि मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लिखित करार होने तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। उनका दावा है कि हड़ताल से बिजली उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चंद्रपुर की एक यूनिट ठप हो चुकी है। हे जे सर्व चालू आहे, वीज उद्योगाची जी अधोगती सुरू आहे, वीज उद्योगाचा बदनाम करण्याचं षडयंत्र चालू आहे, हे फार पूर्वीपासून आहे। ज्याप्रमाणे पूर्वी जे साखर सम्राट लोक HPT च्या नावावर एक कनेक्शन घ्यायचे 5 HP चा आणि किती वापरून राहिले त्याचा कुठेही मोजमाप नव्हता। 5 HP वापरतात, एकच मोटर वापरतात की 5 मोटर वापरतात, काही नव्हता। तेव्हापासून वीज मंडळाच्या ठीक आहे, मुख्य सचिवांनी जे म्हटलं आहे ते बरोबर आहे त्यांचं, पण याच्या अगोदर आम्ही ज्या ज्या वेळेस आंदोलन केलेलं आहे त्या त्यावेळेस त्यांनी म्हटलेलं आहे। आणि एस्मा हा काही पहिल्यांदा लागलेला नाही, याच्या अगोदर सुद्धा लागलेला आहे। ज्या वेळेस या वीज मंडळाचं विभाजन होऊ नये याच्याकरता आम्ही आंदोलन केलं होतं, त्याही वेळेस त्यांनी एस्मा लावला होता। इतकंच नव्हे तर त्यांनी TV वर खूप बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या की जे कर्मचारी संपत जातील त्यांना आम्ही अटक करून त्याच्या घरून त्याला उचलून आणू वगैरे वगैरे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।